हेलो दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का ऑल्टी के यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के बैन को लेके। क्या पबजी को परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा? क्या पबजी वापस इंडिया में नहीं आ पाएगा? हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सीधे पॉइंट पे ले चलता हूँ और बताता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या है। तो दोस्तों, बात यह है कि भारत सरकार ने पबजी मोबाइल पे जो भी लगा हुआ रिस्ट्रिक्शन था, बैन वगैरह था, उसे एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि बढ़ा दिया है। और यहाँ भी एक वेबसाइट है जिसमें एक आर्टिकल पोस्ट किया गया, जिसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद सब यही बोलेंगे कि क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो चलो दोस्तों, मैं वो आर्टिकल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वो आर्टिकल है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। यहाँ पे हाईलाइटेड में कुछ क्वेश्चन वगैरह लिखे गए हैं, लाइक यहाँ पे लिखा है, विल पबजी बैन बी रिवोक्ड एनी टाइम सून और विल इट कंटिन्यू परमानेंटली, व्हाट मिनिस्ट्री हैज़ टू से। मतलब ये बैन वगैरह लगा हुआ है, क्या वापस लिया जाएगा या फिर उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, इस पर मिनिस्ट्री क्या कहती है। तो गाइस, के जवाब में यहाँ नीचे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में क्लियरली समझा देता हूँ कि एक्चुअली में इसका जवाब क्या है। तो गाइस, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में मीटी भी बोलते हैं, इन लोगों ने ये क्लियर कर दिया है कि पबजी समेत जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशन पर बैन लगाए गए थे, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए गए थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन बैन को वापस नहीं लिया जाएगा। मतलब कि अभी अनबैन करने का इनका कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अभी जो बैन रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा और स्ट्रिक्ट तरीके से बैन रहेगा। बाकी यार, इन लोगों ने एक चीज़ और क्लियर किया है कि लास्ट टाइम जब पबजी कॉर्पोरेशन ने टेंसेंट को निकाल दिया था, मतलब पार्टनरशिप वगैरह इंडिया के लिए कैंसिल कर दिया था, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट की तरफ से एक पोस्ट आया था जिसके बारे में जिक्र किया गया है कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था, ओनरशिप चेंज कर देने से या फिर पार्टनरशिप चेंज कर देने से पबजी पे लगा हुआ रिस्ट्रिक्शंस वापस नहीं लिया जाएगा। मतलब यार, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये केस जा रहा है। मतलब ओवरऑल न्यूज़ यही है कि पबजी मोबाइल पर जो भी बैन लगा है वो लगा रहेगा, टेंशन के हटने से बैन को वापस नहीं लिया जाएगा। अभी आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे क्यों किया जा रहा है, अब तो जियो और पबजी के साथ कोलैबोरेशन की बात चल रही है, अब तो अनबैन हो जाना चाहिए। लेकिन गाइस, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जियो के साथ जो भी पार्टनरशिप वगैरह हो रहा है वो अभी वन साइडेड है। मतलब कि यार, अभी पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से बातचीत हुई है, अभी रिलायंस जियो की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, तो कह सकते हैं कि अभी 50-50 पे चल रहा है। और अभी रिलायंस जियो पार्टनरशिप करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनके ऊपर है, बट अभी उनकी तरफ से कोई भी कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। बस पबजी कॉर्पोरेशन ये चाहता है कि कोई भी इंडियन कंपनी उनके साथ जुड़ जाए ताकि इंडिया के अंदर हमारा गेम अनबैन हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या किसी बैन हुई कंपनी के साथ कोई भी कोलैबोरेट करना चाहेगा? तो बस वही सेम केस हो रहा है पबजी कॉर्पोरेशन के साथ भी, बिकॉज पबजी एक बैन गेम है, इलीगल गेम है इंडिया के अंदर, और वैसी ही सिचुएशन में काफ़ी कम चांसेस है कि कोई भी कंपनी उसके साथ कोलैबोरेट करेगी। हाँ, अगर पबजी पे लगा हुआ रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया जाए तो भाई पूरी की पूरी इंडियन कंपनी कूद पड़ेगी कि यार हमें ले लो, हम करेंगे तुम्हारे साथ पार्टनरशिप। तो दोस्तों, बस इसलिए रिलायंस जियो की तरफ से कोई भी तरह का कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है और ये न्यूज़ तो कन्फर्म हो चुकी है कि बैन तो वापस नहीं लिया जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। सो दोस्तों, ये थी वो न्यूज़ पबजी मोबाइल के रिगार्डिंग जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप भी पबजी मोबाइल के फ़ैन हो, तो भाई लाइक के बिना नहीं जाइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए आ गए हो और ऐसी ही न्यूज़ देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल दबाइए, जिससे आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर एक न्यूज़ और धमाकेदार वीडियो के साथ में। टिल देन, कीप वॉचिंग ऑल टेक, गुड बाय।